मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है, जिसको लेकर भिंड जिले के थाना दबोह क्षेत्र में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान पहले चरण में जिले की लहार और मेहोना रोन की 98 ग्राम पंचायतों में 445 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनमें रोन के 80 व लहार के 148 मतदान केंद्र अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जिस पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहीं भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, SSP शैलेंद्र सिंह चौहान समेत आला अधिकारी सभी मतदान केंद्रों पर लगातार जायजा लेने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारों को देखकर इस चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दबोह थाने के ग्राम मोरावली में हालत का जायजा लेने भिंड रक्षित निरीक्षक रजनी सिंह दलबल के साथ पहुंची, जहां पहुंचकर लाइन लगवाई जायजा लिया। मतदाताओं से अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। इस दौरान सेक्टर पुलिस मोबाइल 18 प्रभारी अनिल गुज्जर मौजूद रहे। टीम भारती न्यूज। मुरौली गांव में पहुंची हैं, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगी कि सभी मतदाता वोट करना उनका प्रथम कर्तव्य है, उनका अधिकार है। शांतिपूर्वक मतदान करें, निष्पक्ष मतदान करें, ये मेरी सभी से अपील है। मैम, जो आज का युवा वो गलत दिशा में भटक जाता है, ऐसे युवाओं से क्या अपील रहेगी मैम? युवाओं को गलत दिशा में भटकने के लिए कुछ लोग प्रेरित करते हैं, कृपया उनके भटकावे में ना आएं और अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि और विवेक से अपने पसंदीदा व्यक्ति को जो है मतदान करें। Subscribe now to most exciting channel ever.